आज के इस वीडियो में हम जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले वो बनेगा जे मेंस के 8 अप्रैल 2019 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर अपने क्या करा है कि इफ अल्फा इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/5 के बराबर दे रखा है और बीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 1/3 के बराबर दे रखा है। वेयर अल्फा अपने के पास ये क्या करेंगे, अल्फा अपने के पास 0 से बड़ा है और बीटा अपने के पास 5/2 से छोटा है। यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू अपने के पास निकालने के लिए कह रहा है। तो चलिए सबसे पहले अपने के पास अल्फा किसके बराबर दे रखा है, तो कॉस इनवर्स 3/5 के बराबर दे रखा है। हाँ या ना, तो यहाँ से अपने के पास कॉस अल्फा किसके बराबर जाएंगे, कॉस अल्फा अपने के पास डायरेक्ट लिख सकते हैं 3/5 के बराबर। हाँ या ना, इतना तो लिख ही सकते हैं 3/5 के बराबर। बोल कुछ और रहे हैं, लिख कुछ और रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गया 3/5 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली यहां से अपने के पास ये क्या दे रखा है, बीटा, बीटा अपने के पास दे रखा है 10 इनवर्स 1/3 के बराबर। जब 10 इनवर्स 1/3 है तो यहां से अपने के पास 10 बीटा इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, अपने के पास 1/3 के बराबर। कोई दिक्कत, परेशानी यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब क्या कीजिए, इसमें दोनों तरफ 10 लगा दीजिए। अपने को चाहिए क्या, अल्फा माइनस बीटा चाहिए, क्या अल्फा माइनस बीटा, इनका वैल्यू। तो यहां से हमने क्या कीजिए, 10 अल्फा माइनस बीटा निकालिए, उसका वैल्यू हमने क्या निकाल लेंगे। तो 10 अल्फा माइनस बीटा किस पर आ जाएगा, तो 10 अल्फा और माइनस टाइम्स 10 बीटा और अपॉन में हमने क्या किसके बराबर हो जाएंगे, तो यह आ गया हमने क्या 1 प्लस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा के बराबर। हाँ या ना, इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब क्या कीजिए, 10 अल्फा और बीटा, तो 10 बीटा तो अपने के पास है, 10 अल्फा निकालना, तो यहां से निकाल लीजिए। तो चलिए 10 अल्फा निकालते हैं, तो यहां से अपने के पास इसको रहने दीजिए जब तक ऐसे ही, ठीक है। 10 अल्फा निकालेंगे ना, तो 10 अल्फा अपने के पास कॉस अल्फा इसके बराबर दे रखा है, कॉस अल्फा इक्वल टू 3/5 के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो एक राइट ट्राइंगल बना लीजिए, या अपने के पास राइट ट्राइंगल आ गया। राइट ट्राइंगल ऐसा थोड़ी होता है, अपने के पास एक राइट ट्राइंगल हो गया। राइट ट्राइंगल बन नहीं रहा, क्या नोटिंग किया, ठीक है। ये अब राइट एंगल हो गया, ये एंगल अपने के पास कौन से हो गए, अल्फा, अल्फा हो गया। तो अपने के पास कॉस अल्फा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी 3/5, यानी ये 4 के बराबर हो जाएंगे। अपन को चाहिए क्या, 10 अल्फा, 10 अल्फा अपने के पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 4/3 के बराबर। हाँ या ना, इतना लिख सकते, तो ये अपने के पास किस बराबर हो जाएगा, 4/3 के बराबर। 10 अल्फा के अपन को चाहिए इसका वैल्यू, इसमें वैल्यू पुट कीजिए, तो वैल्यू पुट कीजिएगा तो अपने के 10 अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू किसी और आ जाएंगे, अल्फा माइनस बीटा ही दे रखा, अल्फा माइनस बीटा 10 अल्फा माइनस 10 बीटा, 10 अल्फा माइनस 10 बीटा और अपॉन में अपने के किसके आ जाएंगे, तो 1 प्लस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा के बराबर। चलिए 10 अल्फा अपने के किसके बराबर आ जाएंगे, तो ये आगे अपने 4/3, 10 बीटा अपने 1/3 के बराबर, या गया अपने 1/3 और अपॉन में अपने 1 प्लस 1/3 इंटू 4/3 के बराबर। पहले लिखिए, बाद में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनको सॉल्व कीजिए, तो ये अपने गैस किस आ जाएंगे, 3/3 और अपॉन में अपने गैस किसके बराबर आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने 9 और प्लस टाइम से आ गया 4 के बराबर और अपॉन में अपने गैस किस तरह, ये भी 9 के बराबर। तो यहाँ से सॉल्व किया तो ये 1 हो जाएंगे, तो इसको सॉल्व किया तो 9 अपॉन किसके बराबर आ जाएंगे, 13 के बराबर। हाँ या ना, तो 10 अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू आ गया अपने पास 9/13। तो अपने को चाहिए अल्फा माइनस बीटा ही चाहिए, अल्फा माइनस बीटा अपने पास किस तरह आ जाएगा, 10 इनवर्स 9/13 के बराबर। यही अपने पास क्या आ जाएंगे, करेक्ट आंसर। अब देखिए ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो अल्फा माइनस बीटा 10 इनवर्स 9/13 के बराबर दे रखा है, तो अल्फा माइनस बीटा 10 इनवर्स 9/13 ये तो दे ही नहीं रखा है। अच्छा, साइन इनवर्स में अपने पास चेंज करना पड़ेगा, तो चलिए साइन इनवर्स में एक बार चेंज कर लीजिए। जैसे ही साइन इनवर्स में चेंज करेंगे तो अपने पास एक राइट ट्राइंगल बना लीजिए, मैं मान के चलता कि आपको राइट ट्राइंगल बनाने आ रहा होगा। तो ये अपने पास क्या आ गया, एक राइट ट्राइंगल आ गया। जब ये राइट ट्राइंगल है तो ये एंगल अपने पास कौन सा, अल्फा माइनस बीटा, 10 अल्फा माइनस बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 9/13 के बराबर। तो 9/13 तो हाइपोटेन्यूस किस पर आ जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 169 और प्लस टाइम्स 81 के बराबर। तो ये आ गया 0 और 8 6 14 1 15 और ये अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे, तो 15 तो 200 इसके बराबर। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 250 के बराबर। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर रूट ऑफ 10 लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं। तो ये अपने किस किसके 5 स्क्वायर रूट ऑफ 10 के बराबर। तो चलिए साइन इनवर्स में बदल दीजिए, साइन अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर हो जाएंगे, साइन अल्फा बीटा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी 9/5 स्क्वायर रूट ऑफ 10 के बराबर हो जाएंगे। और कॉस अल्फा माइनस बीटा निकाल लीजिए, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू किसके बराबर जाएगा, 13/5 स्क्वायर रूट ऑफ 10 के बराबर। अपन को चाहिए अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा किस तरह आ जाएंगे, तो साइन इनवर्स 9/5 स्क्वायर रूट ऑफ 10 के बराबर और यहां से अल्फा माइनस बीटा किस पर आ जाएंगे, तो कॉस इनवर्स 13 अपॉन
फाइव स्क्वायर रूट ऑफ 10 के बराबर, यही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इस दोनों में से तो कोई तो ऑप्शन में होंगे ही। ठीक है, तो ये कौन से ऑप्शन में आप बताइए। ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा साइन इनवर्स 9 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 10 के बराबर है, 5 स्क्वायर रूट ऑफ 10 के बराबर, तो 9 अपॉन 5 स्क्वायर रूट ऑफ 10 के बराबर, ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है। ठीक है, और ये 9 अपॉन, तो ऑप्शन नंबर ए आपने गेस क्या जाएंगे इनके करेक्ट आंसर, कॉस इनवर्स आपने गेस 13 अपॉन था। ठीक है, ये 9 अपॉन, तो ऑप्शन नंबर ए क्या जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। तो ये थे आपने के पास 8 अप्रैल 2019 के शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन, और काफी आसान क्वेश्चन था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं और एक्साइटमेंट में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।